अस्सलाम वालेकुम। आज एक रिक्वेस्ट के ऊपर, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे कमेंट में एक प्रॉब्लम उसने कही है सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। एफएससी पार्ट वन का जो मैथ है उसका यूनिट नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.4 और क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको दो डिफरेंट मेथड हैं सॉल्व करने के। आज जो मेथड सॉल्व करूंगा बड़ा सिंपल और इजी वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, आंसर में क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस वन ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है इसकी। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो जहन में रखें, टारगेट में आपने राइट हैंड साइड को रखना है कि आपने राइट हैंड साइड क्या बनानी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड जो मैं यूज करूंगा उसको आप दो तरीकों से याद रख सकते हैं। सिंपल मैं उसको रैशनलाइजेशन मेथड भी कह सकता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैं जो राइट हैंड साइड है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा, या फिर मैं कहूंगा कि मैं इसको डिनोमिनेटर के टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिसको आप रैशनलाइजेशन मेथड कहते हैं। तो यहां पर देखें, इक्वल मैंने एज इट इज लिख लिया, क्वेश्चन लाइन मैंने एज इट इज लगा ली, टेन थीटा मैंने एज इट इज लिखा प्लस सीकेंट थीटा मैंने एज इट इज लिख लिया, माइनस वन एज इट इज आ गया। सिमिलर डिनोमिनेटर भी टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन। अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा इस पूरे क्वेश्चन को टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा के ऑपोजिट साइन से, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये देखें, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, दैट इज द ऑपोजिट साइन ऑफ दिस, टेन माइनस सीकेंट, टेन प्लस सीकेंट से मल्टीप्लाई किया और टेन प्लस सीकेंट से बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिए। या फिर आप याद रखने के लिए ये कर सकते हो कि मैंने राइट हैंड साइड जो मेरे पास मौजूद थी उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दी। अब दो फ्रैक्शंस बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल मैंने एज इट इज लिख लिया, टेन थीटा ये जो न्यूमिनेटर है टेन प्लस सीकेंड माइनस वन, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, टेन प्लस सीकेंड। तो बेटा ये टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा के साथ। ये मैंने शो किया है, मल्टीप्लाई किया नहीं है, ब्रैकेट्स लगाकर मैंने शो किया है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नीचे मैं टेन माइनस सीकेंड प्लस वन को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा के साथ। यहां पे मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में परफॉर्म करूंगा और न्यूमिनेटर में परफॉर्म नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में परफॉर्म क्यों करूंगा और न्यूमिनेटर में परफॉर्म क्यों नहीं करेंगे, इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर बाद देता हूं। अभी मैंने न्यूमिनेटर को सिर्फ प्रेजेंट किया कि ये न्यूमिनेटर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने लगा हूं। ये टेन थीटा आगे वाले टेन और सीकेंट दोनों से मल्टीप्लाई होगा, टेन जब टेन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वेयर थीटा, टेन जब सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा। अब किसकी बारी है, माइनस सीकेंट की, माइनस सीकेंट को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस सीकेंट थीटा, बल्कि टेन पहले लिख लेते हैं सीकेंट बाद में लिख लेते हैं, माइनस सीकेंट जब टेन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा सीकेंट थीटा, और माइनस सीकेंट थीटा जब प्लस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा। टेन को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और सीकेंट को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसकी बारी है, टेन को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सीकेंट को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वन को मल्टीप्लाई करना है टेन प्लस सीकेंट से, तो वन जब टेन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस वन जब सीकेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा। मेरे पास जगह कम है, जरा अगर आप इसको जूम करके दिखा सके कि वन जो है वो
टेन थीटा से भी मल्टीप्लाई हो गया और वन सीकेंट थीटा से भी मल्टीप्लाई हो गए। तो दो फ्रैक्शंस आपस में सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, लेकिन न्यूमिरेटर में मैंने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन प्रेजेंट की है, मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन डिनोमिनेटर में मैंने इसको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करके दिखा दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया है तो सुन लें, मैंने कहा था कि जब भी आप प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन करें ना, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो टारगेट में राइट हैंड साइड रखा करें। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता तो ये जो चीज मुझे रिजल्ट में चाहिए टेन प्लस सीकेंट, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाना था, मुझे ये रिजल्ट में चाहिए, इस वजह से मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ, नीचे वाली चीजों को मैंने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लीकेशन इस वजह से परफॉर्म नहीं की क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में ये टेन प्लस सीकेंड चाहिए, ये मेरा रिजल्ट है जो मैंने बनाया राइट हैंड साइड का, और नीचे मैंने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दी है। अब इधर देखिएगा, इक्वल एज इट इज आ गया, क्वेश्चन लाइन एज इट इज आ गई, न्यूमरेटर वैसे लिख लें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस वन टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज आ गया। ये नेगेटिव टेन थीटा सीकेंट थीटा पॉजिटिव टेन थीटा सीकेंट थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा, एक टेन स्क्वेयर थीटा ये माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा ये, और आगे क्या है, प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, जो कैंसिल होने वाली चीजें थी उनको कैंसिल कर दिया, बाकी चीजें मैंने एज इट इज रख ली। अब यहां पर जरा गौर से देखिए, ये थोड़ा सा इधर जूम कीजिएगा, जगह मेरे पास कम है। हमने नाइन्थ क्लास में और या बल्कि इस चैप्टर के शुरू में भी, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा के, सीकेंट स्क्वेयर इधर आकर माइनस हो जाएगा और वन उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और वन उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा के, तो सीकेंट स्क्वेयर इधर लाके माइनस कर दिया, वन उधर जाके माइनस कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट बन गया टेन स्क्वेयर माइनस सीकेंट स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन। अब जरा नीचे आकर देखें, इक्वल एज इट इज आ गया, क्वेश्चन लाइन एज इट इज आ गई, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर में टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस वन एज इट इज आ गया, ये रिजल्ट है मेरा जो मुझे चाहिए अपने आंसर में, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, क्योंकि ये मेरी राइट हैंड साइड है। ये इधर देखें, ये जो मैं जिगजैग वाली लाइन से, ये अभी मैंने ऊपर रिजल्ट बनाया टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा, टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, और आगे क्या है, प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इज दैट क्लियर। आप जरा देखें, नेगेटिव वन ऊपर भी क्या है, नेगेटिव वन, पॉजिटिव टेन थीटा ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव टेन थीटा, सीकेंट थीटा ऊपर भी क्या है, सीकेंट, यानी कि ये एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक और ये ऊपर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन सेम है, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस वन, और ये भी टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस वन, ये आपस में बेटा क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी, ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, दैट इज योर राइट हैंड साइड। बड़ा आसान सा सवाल था ये, और बस थोड़ा सा टेक्निकल था कि जो राइट हैंड साइड है, याद रखने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई शो करना है, मल्टीप्लाई करना नहीं है, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके दिखाना है, प्रेजेंट करना पूरी मल्टीप्लीकेशन। कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास टेन स्क्वेयर माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगा के माइनस वन, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आपस में कटेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में
राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका सोल्यूशन भी मैं साथ ही इस वीडियो के अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में या ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में शेयर करें, वो प्रॉब्लम मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका सलूशन जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।